हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर एडिट्यूब टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम क्लास द चैप्टर नेम इज सर्किल सर्किल को हिंदी में वृत्त कहते हैं ये क्लास से लिया गया है तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सो प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो डोंट स्किप ओके सो लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज सर्किल है ना वॉट इज सर्किल मीन्स देयर आर देखो, so बहुत बहुत सारे बिंदु बहुत सारे बिंदु हैं, हैं जो हमने एक प्लेन में ड्रा कर रखा है प्लेन में जो ड्रॉ किया है वो एक निश्चित दूरी से है मतलब ये दूरी इधर इधर हर एक पॉइंट का फिक्स होगा आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं उसके रेडियस जो फिक्स होती है फिक्स्ड पॉइंट जो होगा वो उसका सेंटर होगा जिसे हम से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट किसी एक निश्चित दूरी से एक पॉइंट से अगर कलेक्ट कर लिए जाए यानी कि जुड़े हुए हों कनेक्टेड हो तो उन्हें हम सर्किल कहते हैं कैसे देखो अगर हम इन पॉइंट्स को कलेक्ट करें लाइक दिस ठीक है तो ये क्या बनाएंगे ये एक सर्किल बनाएंगे ठीक है तो ये इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं सो so, ये हमारी क्या बनेंगे एक सर्किल बनेंगे ये आपका एक सर्किल है ये सर्किल का सेंटर है और सर्किल के किसी एक पॉइंट ए से जो डिस्टेंस ली गई है उसे हम बोलेंगे रेडियस क्या बोलेंगे रेडियस ओके सो व्हाट इज द डिफिनिशन ऑफ अ सर्किल आ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ आल पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओके ये आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा तो यह सर्किल की डिफिनीशन होती है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस टर्म रिलेटेड टू अर्किल देखो सो दे आर वेरियस टर्म रिलेटेड टू आर सर्किल विच वर यू स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेज लाइक फर्स्ट वन इज रेडियस सेकेंड वन इज डायामीटर थर्ड वन इज कॉड फोर्थ वन इज सेगमेंट एंड नेक्स्ट वन इज सेक्टर ये आपने बेसिकली पहले से ही पढ़ रखा है लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे बहुत अधिक चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये मेन टॉपिक नहीं है हमारा इस चैप्टर का आप इसे चाहो दो राइट डॉन कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो सो फर्स्ट टर्म इज रेडियस इज रेडियस रेडियस इज अ अंस्टेंट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ ऑनिल फ्रॉम इट्स सेंटर ओके ये जो फिक्स दूरी है सर्किल के किसी बिंदु से सेंटर की वो क्या होती है रेडियस होती है रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं ठीक है ठीके? अब देखो यही जो रेडियस है अगर इसको हम आगे तक बढ़ा दें लाइक like दिस तो ये हमारी डायामीटर बन जाती है यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ अ सर्किल Uh, which passes through the center is called diameter. Diameter is the greatest chord of a circle. यानी कि जो diameter होती है, वो circle की सबसे बड़ी chord होती है, जिसे हिंदी में जीवा बोलते हैं। तो सबसे बड़ी जो जीवा होगी, जो सबसे बड़ी chord होगी, वो क्या होगी? Diameter होगी, ठीक है? अब यहाँ पर बात आती है, What is chord? देखो, it is a circle and uh, we'll draw a line like this which passes any two points.

दिस कॉड ए बी डिवाइड आ सर्किल इन टू टू आर्क वन इज दिसर आर्क एंड सेकेंड वन इज दिसक सो वट द रीजन बिटवीन अड एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ओके जो रीजन होता है जो एरिया होता है किसी कॉड और उसके रिस्पेक्टिव आर्क के बीच का उसे बोलते हैं सेगमेंट ठीक है segment. अब सेगमेंट दो प्रकार का है जो बड़ा दिख रहा है वो है मेजर सेगमेंट और जो छोटा दिख रहा है विच इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट ओके ये तो हो गया हमारा सेगमेंट ठीक है नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्टर लेट अस सपोज इट इज अ सर्किल एंड दिस इज सेंटर पॉइंट वेन वी ड्रॉ टू रेडियाई लाइक दिस सो दिस इज एन आर्क एंड दीज आर रेडियाई द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड इट्स करेस्पोंडिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ओके द रीजन बिटवीन रेडियाई सर्किल एंड इट्स इज स्माल सेक्टर विच इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर ओके

सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू टू पाई आर आर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर पाई डी ओके एंड लास्ट वन इज एरिया सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दीज आर द सम फार्मूला रिलेटेड टू अ सर्किल सो रिमेंबर दीज फार्मूला डोंट राइट इट सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ लाइन एंड अ सर्किल मींस एक लाइन है और एक सर्किल है तो उसमें लाइन की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज फर्स्ट वन द लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट द सर्किल मतलब यह है ये जो लाइन है ये सर्किल पर किसी भी तरीके से मीट नहीं कर रहा है सर्किल को टच नहीं कर रहा है सेकेंड वन द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किल इस सर्किल के किसी दो बिंदु से दो पॉइंट से ये लाइन पास हो रहा है को टच करते हुए जा रहा है। तो तीन तीन पॉसिबिलिटी है। अब इन पॉसिबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है देखो देर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्किल सो दे आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन दिस इज नॉट अ टेंजेंट ओके सो सेकेंड वन दर्किल हैव टू कॉमन पॉइंट टू कॉमन पॉइंट तो जब भी कोई सर्किल में कोई लाइन है वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे सीकेंट बोलते हैं ठीक है इस चैप्टर में हम सीकेंट पढ़ेंगे बाकी तो कॉड भी होता है ठीक है तो यहां पर दिस इज कॉल्ड सीकेंट मान लीजिए कोई लाइन है जो सर्किल के किसी दो पॉइंट से पास होती हुई जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे सीकंट बोलेंगे एंड इट हैव ओनली वन पॉइंट है ना वन पॉइंट सो इस सर्किल में ये जो लाइन है ये टेंजेंट होगा क्या होगा टेंजेंट होगा सो so,

और कोई लाइन है जो सर्किल के सर्कमेंस पर किसी एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है तो उसे हम टेंजेंट टेंजेंट बोलते हैं जिस भी पॉइंट से पास होती है यानी कि सर्किल और लाइन जिस भी पॉइंट पर मीट होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंटेक्ट जैसे अभी ये टेंजेंट है इस सर्किल पे पर मीट हो रही है तो P पॉइंट इसका क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ कंटेक्ट हो जाएगा यहां पर जो एंगल बन रहा है ये वाला ये बनेगा 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल और ये भी बनेगा 90 डिग्री मीनस राइट एंगल क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल 90 90 का होगा और यहां पर दोनों एंगल इक्वल भी होंगे तो यहां से क्या क्या पता चलेगा देखो पी क्यू जो है वो हमारा टेंजेंट है क्या है टेंजेंट और जो हमारा एंगल है ओ पी एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ पी वाई इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री इसे हम राइट एंगल भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं राइट एंगल ओके यहां पर जो पॉइंट पी है इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ

कोइंसाइड मतलब देखो टेंजेंट जो होता है वो सीकेंट का एक स्पेशल केस होता है जहां पर कॉर्ड की दोनों पॉइंट कोइंसाइड करती है मतलब एक ही पर होती हैं तो कोइंसाइड करने का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक ओवरलैप करे तो दोनों पॉइंट एक ही पर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं ये तो हो गई हमारी टेंजेंट की डिफिनिशन आप चाहो तो इन्हें राइट डाउन कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देखो जैसे कि हमारा सर्किल है और ये हमारी टेंजेंट है तो ये टेंजेंट इस सर्किल को पी पॉइंट पर मीट कर रही है तो पी पॉइंट जो है वो कॉमन है टेंजेंट में भी और सर्किल में भी सो द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्किल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट यानी जो कॉमन पॉइंट है उसी को हम क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे ठीक है सो लेट अस डू एन एक्टिविटी लेट अस सपोज इट इज आवर सर्किल एंड वी ड्रा अ सीकेंड पी ये हमारा क्या है? है, PQ है, like circle, P Q P Q so P Q है? आर आवर लाइक दिस, ठीक लाइन को टच कर रही है और ये जो पी डबल डैश क्यूडबल डैस है ये दोनों सिकंड के पैरल है तो आप इसको ऑब्जर्व कर करके देखो इसमें क्या मिल रहा है आपको ये जो लाइन पी डैश क्यू डैश है, है वो एक दूसरे के पैरेलल है तो अगर आप एक सर्किल में बहुत सारे सीकेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा सिर्फ दो टेंजेंट होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे सो द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी इज दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट्स पैरेलल टू अ गिवन सीकेंट अगर आपको कोई सीकेंट दे दिया गया है तो एक सर्किल में दो पैरेलल टेंजेंट से ज्यादा नहीं हो सकते हैं ठीक है तो आप इसे राइट डाउन कर लो लास्ट में देखो कुछ न्यूमारिकल पोर्सन आए हैं इस क्वेश्चन में जहां पर पाइथागोरियन थ्योरम लगेगा तो यहां पर देखो ये हमारा सर्किल का रेडियस है ये टेंजेंट है और ये जो लाइन ओकी है वो टेंजेंट को किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर मीट कर रही है जो सर्किल को टच नहीं कर रही है तो इस केस में देखो ये नाइनटी डिग्री है इसके अपोजिट वाली साइड हमारी हाइपोटेनियस बन जाएगी और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हमारा बेस बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है हमारे लिए OQ OQ का स्क्वायर बेस है हमारे पास PQ PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है OP OP का स्क्वायर तो यहाँ पर ये यह फार्मूला आपका अप्लाई होगा जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करने के लिए ठीक है आप चाहो तो इन्हें राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ तब तक अगले थैंक यू क्लास